ठीक है नासिर अंसारी साहब, कुल मिलाकर जो ये सर्वे चल रहा है, बार बार कोर्ट को लेकर सवाल उठ जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है जो चीजें हिसाब की चल रही हैं वो आपके साथ, आप कोर्ट के साथ हो जाते हैं, और जो सही नहीं लगती वो कोर्ट के अगेंस्ट हो जाते हैं, मतलब कि कोर्ट की कार्रवाई, ये कार्रवाई जो हो रही है ये तो कोर्ट के कहने पर ही हो रही है ना, इसको राजनीतिक कहना कहाँ तक ठीक? ऐसा है ना मैम कि ये बात, ये इल्जाम लगाना कि जिस मामले में कोर्ट हमारे पक्ष में जाता है उस मामले में हम कोर्ट के मानते हैं, तो ये तो सबसे पहले ये इल्जाम वहीं पे खत्म हो जाता है कि बाबरी मस्जिद उठाकर दूसरों को दे दी गई, हमने उसे कबूल कर लिया, लिहाजा ये इल्जाम तो सीधे से गलत है। और रही बात राजनीति की, अगर ये राजनीति नहीं है तो दिल्ली से आकर यहाँ बनारस की फिजा में इस तरह के माहौल को पैदा करना, बनारस में 800 साल से काशी विश्वनाथ मंदिर व्यास का जो परिवार रह रहा है उसी के अशोक द्विवेदी जी का कल मैं देख रहा था तो उन्होंने बताया कि शिवसेना की स्थापना से पहले श्रृंगार गौरी का यहाँ भी मौजूद है, हमें पता ही नहीं था, उन्होंने तो मकान नंबर के साथ बताया कि वो बांस फाटक पे मौजूद है और उस पर कभी जल चढ़ता ही नहीं श्रृंगार गौरी, मैं उनके तथ्य की बात कर रहा हूँ, ये इल्जाम हम पर लगा। आप उनके तथ्य स्वीकार कर लेते हैं, बाकी हिंदू पक्ष भी तो तथ्य दे रहे हैं, आप उनमें से किसी के तथ्य क्यों नहीं स्वीकार? मैं तथ्य को स्वीकार करता हूँ ना कि आपको किसी की बात अच्छी लगती किसी की बात अच्छी नहीं लगती, या तो आप अपने इंडिविजुअल बात कीजिए। अगर आप एक का उदाहरण दे रहे हैं तो यहाँ बैठे जितने लोग हैं वो तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तहखाने में गर्भगृह है, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ हिंदू मंदिर है, तो आप उस तर्क को नहीं स्वीकारते हैं, लेकिन अगर कोई और तर्क देता तो आप उसको स्वीकार कर लेते। उसी पर हम आ जाते हैं, अभी जैसे भाई साहब ने भी कहा कि ये चीज तो 1936 के जो मुकदमा हुए थे दीन मोहम्मद के, उसका हवाला बार बार दिया जाता है लेकिन उसके जजमेंट का हवाला नहीं दिया जाता। उस जजमेंट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इसके नीचे कोई मंदिर नहीं है। ये जब डिसाइडेड हो चुका है 1937 के जजमेंट में, तो फिर इसको बार बार वो करना सिर्फ माहौल को बिगाड़ने, यहाँ तथ्य अब, और दो बातें आपने हमसे कही कि हम उनके तथ्य को मानते हैं, हम उनके तथ्य को नहीं, हमने कहा कि वो ये तथ्य पेश करते हैं, उनके तथ्य में और भी चीजें हैं लेकिन उनके तथ्य में भी ये चीजें नहीं है जो आज उठाई जा रही है। ठीक है अजय शर्मा जी वो ये कह रहे हैं कि कुछ तथ्य हैं जो कुछ हिंदू पक्षी हैं जिसमें इस पूरे मुद्दे में कुछ अलग राय रखते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर, आपको भी क्या लग रहा है कि राजनीति से प्रेरित होकर, क्योंकि याचिका भी देने पांच महिलाएं जो हैं वो दिल्ली की आई हुई हैं, तो दिल्ली से आके क्या लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं? ऐसा है कि शहर का माहौल अच्छा रहे ये हम भी चाहते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं नकार सकते कि वहाँ मंदिर और मस्जिद की जो लड़ाई चल रही है उसके मूल में क्या था, स्थान प्रधानम न कि बल प्रधानम। आपका जब बल चला, आपने मंदिर तोड़ा, वहां मस्जिद बना दिया, इसके पहले जब हम सनातनियों का बल चला तो उस स्थान पे जाके हमने मंदिर बना दिया, वहां के मूल में क्या था, ज्ञानोदक तीर्थ जिसको भगवान शंकर ने स्वयं अपने त्रिशूल से खोदा है। तो मैं इन्हीं से भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, भाई साहब आप जरा बता दीजिए कि क्या आप मंदिर में बैठ करके, किसी देवता के शरीर पे बैठ करके आप कभी नमाज पढ़ना चाहेंगे? ऐसा है कि प्रश्न, अगर आप प्रश्न करेंगे तो हम उस प्रश्न का आपको ये जवाब दे दें। ये आप देखिए, अगर हम धर्म के उस पे जाएंगे तो बहुत सारे दावे हो सकते हैं, आपका ये दावा है, लेकिन क्या भगवान शिव ने वहां पे आके खोदा था? जब ये चीज प्री डिसाइडेड 1937 में हो चुकी है, और यही नहीं बाबरी मस्जिद मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह कहा गया कि उस जगह पे मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी, आस्था की बुनियाद पर फैसला किया। ये पूरा मामला तो कोर्ट के ही तरफ से कहा जा रहा है, तो अब आपको यही फैसला क्यों नहीं सही लगा? कोर्ट का फैसला अगर हम देखिए, कोर्ट ने निर्देश दिया ना, तो इस निर्देश को तो स्वीकारना चाहिए, इसमें राजनीति की बात कहाँ से? कोर्ट के निर्देश पर सर्वेक्षण हो रहा है, मुस्लिम पक्ष उसका उस सर्वेक्षण में साथ दे रहा है, कोई जो कमीशन हो रहा है, जो उनकी जो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी वो ये आपत्ति थी कि दो अराजी नंबर है, कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें उस अराजी नंबर की चौहद्दी नहीं डिसाइडेड है। मेरे मकान पे मुकदमा हो और बगल के मकान का सर्वेक्षण हो, ये तो नहीं हो सकता ना। जब कोर्ट ने कह दिया नहीं मस्जिद का कमीशन होगा, तो मुस्लिम पक्ष ने उस बात को स्वीकारा और साथ में खड़े होकर कमीशन करा रहे हैं ना, आप इस बात का आरोप कैसे लगा सकते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भाई साहब कि काशी साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है और आप भी मानते हैं, आप भी महादेव बोलते हैं, गंगा को आप भी माता मानते हैं, तो क्या आज हम आप मिल करके शिव ने जिस तीर्थ को खोदा है उस तीर्थ को हम लोग जो है वापस ज्ञानोदक तीर्थ नहीं बना सकते हैं मिल करके?
नफरत से कभी ज्ञान नहीं उभरता। मैं आपसे प्रेम से बोल रहा हूं। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, आप प्रेम से किसी को गाली भी दे दीजिए वो गाली ही रहेगी, लेकिन अगर आप ये बात कहते हो तो सबसे पहले सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि गंगा जमनी जो तहजीब है उसके तहत अगर हिंदू लोगों की आस्था वहाँ से जुड़ी है, हालांकि आपकी भी आस्था जुड़ी हुई है उससे इनकार नहीं है, लेकिन पूछ रहा हूँ मैं आप ही से पूछा, मैं भाई साहब आप ही से पूछा कि जिस तीर्थ को पुराण आपने बोला कि कहाँ शिव खोदे, अगर आपको वेद में पुराण में स्कंद पुराण में वायु पुराण में ब्रह्मवैवत में काशी खंड में अनेक पुराणों में यहाँ तक कि आपके कुरान में मैं दिखा दूं कि वो वेद को मानता है, तो आप इस चीज को स्वीकार करेंगे कि वहाँ पे ज्ञानोदक तीर्थ था? मैम देखिए, पहली चीज तो ये कि ये मुद्दों से भटकाने वाली चीज, यहाँ पे हम लोग ज्ञानवापी सर्वेक्षण और संविधान के दायरे के अंदर रह के बात करें तो उचित होगी। अगर हम धर्म की बात करेंगे, हम कोई भी टिप्पणी इनके धर्म पर करेंगे वो मैं भी प्रेम की बात कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हो वो प्रेम नहीं है सर, वो एग्जैक्टली वो एक टिप्पणी है, जिस टिप्पणी के जवाब में जब हम टिप्पणी देंगे तो वो वाद प्रतिवाद का रूप ले लेगा, ना कि किसी मोहब्बत और प्यार की बात बचेगी। आपने जिस चीज़ का दावा किया, अगर मैं इसी चीज़ को दावा कर दूं कि हिंदुस्तान में हज़रत आदम अलैहि सलाम आए थे, तो लिहाजा ये ज़मीन ही हमारी है, तो ये बातें बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। हम यहाँ इस वक्त जो जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज हमारे देश के संविधान से चलता है, वो समाज और इसको हर किसी ने तस्लीम की। क्या संविधान खाली जो है मस्जिद के लिए ही बना है, मंदिरों के लिए नहीं बना है? सबके लिए है। तो आप ये और आप जरा सा जिस इतिहास की बात करते हैं ना, खुद बाबा विश्वनाथ या कैलाश की बात, कैलाश के निवासी थे और खुद एक मिनट सुनिए, या राजा दिवदास राजा दिव हर सभी पुराण पढ़िए, मैं भी पढ़ के बैठा हूँ, मैं इसीलिए चुप था, मैं भी दूंगा कि खुद काशी विश्वनाथ सारे पुराणों में दूंगा कि वो ज्ञानोदक तीर्थ था देवी है, और यहाँ पर उनको भेजा गया कंट्रोल करने के लिए 64 योगिनी को, मानेंगे अरे सबको मानेंगे, लेकिन आपको पुरानी मुर्दों को मत दफन, ठीक है अभी देखिए कोर्ट में ये मामला है, कर्म है अपने काशी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति शिव का ऋणी है और माँ गंगा का ऋणी है। ठीक है जी, जल्दी से जरा हम राजनाथ जी भी हमारे साथ, उनका भी कमेंट। मूलतः देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ, क्योंकि इसमें जो माहौल देश के अंदर बनाया गया है, इसमें मेरा बनाया गया है कैसा माहौल सर? माहौल ये एक जिसको आप सांप्रदायिक रूप में भी देख सकते हैं, एक भाईचारा के तौर पर भी देख सकते हैं, जिसको बिगाड़ने की कोशिश की गई। किसने की कोशिश जी? किसने कोशिश की? ये दोनों ही वर्ग उसमें है। हम किसी एक वर्ग को इसमें नहीं कहेंगे। हमारा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इन सब चीजों को कानूनी रूप से फंसाने या दूसरे रूपों में फंसाने के बजाय अगर दोनों पक्ष के समझदार लोग आपस में बैठ करके अब किसी एक आम निर्णय पर पहुंचते हैं तो ये देश के लिए ही बहुत बेहतर होगा। ठीक है। देखिए अभी हम चर्चा सुन रहा था, यहाँ पर बात संविधान की भी हो रही है, यहाँ पर बात भारत के जो सांप्रदायिक सौहार्द की और सांप्रदायिक सद्भाव की है उसकी भी हो रही है। उसके पीछे हम लोग एक तथ्य पर अगर आए कि आज से कई सौ साल पहले ये एक आदेश है, औरंगजेब ने जब हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए जो आदेश दिया था उर्दू भाषा में, वो आदेश आज भी संरक्षित है और आज भी वो एज ए प्रूफ इस्तेमाल होता है। अगर हम संविधान की बात करें तो निश्चित रूप से उस समय का भी एक संविधान रहा होगा, उस समय का भी संविधान रहा होगा, और उस समय उन संविधान के हिसाब से उस मंदिर को तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद मस्जिद, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी गई उस समय के संविधान से। आज के संविधान के अनुसार उनका कहना है कि 1991 में ये एक्ट बना, 1937 में ये आदेश हुआ, उसके बाद हम लोग तमाम तरीके के चीजों को स्थिर करने के बाद फिर से इसको उभार रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, देश में 80 करोड़ हिंदू रहते हैं, आप हर व्यक्ति को संविधान नहीं पढ़ा सकते, आप हर व्यक्ति को कानून नहीं सिखा सकते, उनको आदेश जो दिख रहा है उसको स्वीकार करिए।